अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। अभी तक मैंने आपको 6 चैप्टर तक का एमसीक्यू सॉल्व करा दिया है। आज की इस वीडियो में मैं ज्योग्राफी का जो 7 चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट, उसका एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। अगर इससे पहले का आपने एमसीक्यू का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी एमसीक्यू आप एक साथ देख सकते हैं। तो बच्चों, आपके एग्जाम के लिए एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। इसलिए बुक में जितना भी एमसीक्यू है आपको अच्छे से करना है और अच्छे से समझना है। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। पहला क्वेश्चन है, राइट टिक करना है द करेक्ट ऑप्शन। जो भी करेक्ट रहेगा उसके ऊपर आपको क्या करना रहेगा, राइट टिक करना है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट इज रिलेटेड टू फॉलोइंग मेजर फैक्टर। पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट का मतलब होता है जब एक ही जगह पे बहुत सारे घर बने होते हैं, जब एक ही जगह पे बहुत ज्यादा घर दिखाई देता है, समझ में आएगा। उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट इज रिलेटेड टू फॉलोइंग मेजर फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें से किसके कारण एक ही जगह पे ज्यादा घर देखने को मिलता है या ज्यादा घर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट प्रॉक्सिमिटी टू दी सी। मतलब कि क्या होता है प्रॉक्सिमिटी टू दी सी का मतलब होता है सी के पास, समझ में आ गया, सी के पास। सेकेंड है प्लेन रीजन, घर सबसे ज्यादा एक ही जगह पे क्यों बनाया जाता है, नदी के पास या सी के पास बनाया जाता है, या तो प्लेन रीजन के पास जहां का लैंड जो होता है प्लेन होता है वहां पे ज्यादा घर देखने को मिलेगा, या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, या तो जहां पे पानी ज्यादा रहेगा वहां पे घर ज्यादा देखने को मिलेगा, या जहां पे फेवरेबल क्लाइमेट रहेगा वहां पे घर ज्यादा देखने को मिलेगा। वैसे तो चारों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या गया है मेजर फैक्टर, यानी सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ज्यादा घर बनने को कौन सा है। तो इसमें जो आंसर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इंसान वहीं पे घर बनाता है जहां पे पानी ज्यादा रहता है, क्योंकि इंसान को सबसे पहले वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, समझ में आ गया। तो जो मेजर फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहां पे ज्यादा पानी अवेलेबल रहेगा वहीं पे आपको ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, ब्राजील के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट की बात हो रही है, समझ में आ गया। विच टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड, अगर हम बात करें ब्राजील के नॉर्थ और ईस्ट में तो वहां पे कौन से टाइप का सेटलमेंट यानी कौन से टाइप का आपको घर देखने को मिलेगा। ऑप्शन है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, सेकेंड है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे बहुत ज्यादा घर आसपास में चिपके हुए होते हैं ना उसको न्यूक्लिएटेड, मतलब एक ही जगह पे बहुत ज्यादा घर जब बने होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहते हैं। लीनियर सेटलमेंट क्या होता है, जब एक ही लाइन में घर बने होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर सेटलमेंट, ठीक है। डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होता है, जब घर दूर दूर बने होते हैं जैसे कि आप गाँव में देखते हो। स्टार शेप, जब घरों का जो शेप होता है स्टार शेप में होता है उसे क्या कहते हैं, स्टार शेप सेटलमेंट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्राजील के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कौन से टाइप का सेटलमेंट देखने को मिलता है। जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था तो हमने देखा था ब्राजील के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हम लोगों को न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखने को मिलता है, समझ में आ गया। राइट आंसर क्या रहेगा, न्यूक्लिएटेड, एक ही जगह पे ज्यादा घर देखने को मिलता है, समझ में आ गया। ब्राजील का यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, ब्राजील का ए हो गया नॉर्थ और ए हो गया ईस्ट, तो यहाँ पे आपको ज्यादा घर देखने को मिलेगा, क्लियर हुआ। आगे समझते हैं, थर्ड, वेयर डू यू फाइंड डिस्पर्स सेटलमेंट इन इंडिया। पहले क्वेश्चन समझो, इंडिया में आपको डिस्पर्स सेटलमेंट देखने को कहां मिलेगा। डिस्पर्स सेटलमेंट यानी कि जहां पे घर जो होता है दूर दूर बने होते हैं उसको डिस्पर्स सेटलमेंट कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, नियर द रिवर, रिवर के पास आपको डिस्पर्स सेटल देखने को मिलेगा, नहीं ना। नियर द ट्रांसपोर्ट रूट, यहां पे भी घर जो होते हैं न्यूक्लिएटेड होते हैं। हिली एरिया, पहाड़ों के ऊपर है ना, हिली एरियाज के ऊपर अगर आप देखोगे तो घर दूर दूर देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर रहेगा हिली एरियाज।
एंड इंडस्ट्रियल रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन पे घर नजदीक होते हैं। क्वेश्चन समझो, वेयर डू यू फाइंड डिस्पर्स सेटलमेंट इंडिया, यानी इंडिया में डिस्पर टाइप ऑफ सेटलमेंट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको हिली एरियाज में, यानी जहाँ पे पहाड़ होता है, जहाँ पे माउंटेन ज्यादा होता है, वहां पे घर कैसा दूर दूर बने होते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट समझते हैं डी, कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट आर फाउंड इन द नर्मदा वैली। यहाँ पे पूछ रहा है कि नर्मदा वैली में कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट देखने को मिलेगा। कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट का मतलब एक ही जगह पे घर ज्यादा बने होते हैं, तो उसको भी कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। फॉरेस्टेड लैंड, जहाँ पे फॉरेस्टेड लैंड रहेगा, जिस लैंड पे जंगल बहुत ज्यादा रहेगा, वहां पे तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? वहां पे घर बनाना मुश्किल होगा। सेकंड है कल्टीवेबल लैंड। तो कल्टीवेबल यानी कि जहां पे जो लैंड है वो कल्टीवेबल है, यानी खेती अच्छी होगी, तो जहां पे खेती अच्छी होगी वहां पे घर भी ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना, तो वहां पे आपको मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड। थर्ड देखते हैं ऑप्शन, अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, जहां का लैंड का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा तो वहां पे आपको घर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज, जहां पे इंडस्ट्रीज रहेगा वहां पे भी आपको घर देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा घर नर्मदा वैली में आपको कल्टीवेबल लैंड के पास मिलेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज द लीस्ट अर्बनाइजेशन इन ब्राजील। यहाँ पे आपको स्टेट का नाम दिया गया है, उसमें पूछता है लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है कम। समझ में आ गया? पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में, ब्राजील में, ब्राजील के कौन से स्टेट में कम अर्बनाइजेशन हुआ है। तो ऑप्शन है पारा, अमापा, एस्पिरिटो सांटो और हो गया पराना। तो इसमें कम अर्बनाइजेशन जो हुआ है वो पारा में हुआ है। समझ में आ गया? राइट आंसर जो रहेगा पारा रहेगा। ब्राजील में जो पारा स्टेट है वहां पे लीस्ट अर्बनाइजेशन है, यानी कि अर्बनाइजेशन कम हुआ है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका मैं रिस्पॉन्स आपको कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।